जय हिंद चरण। टुडे विल रीड द स्टोरी मिट्ठू एंड द येलो मैंगो। लिसन टू द स्टोरी एंड एंजॉय इट। मिट्ठू वाज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट विद अ रेड बीक। वन डे मिट्ठू वाज फ्लाइंग। ही लव्ड टू फ्लाई। ही लुक्ड डाउन। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। मिट्ठू लाइक्ड मैंगोज। I want to eat that yellow mango, he said. He flew down to the tree. Haw, haw, go away. This is my tree, said a voice. Mittu looked up. He saw a big black crow. Caw, caw, go, go, the crow shouted. He had a very loud voice. Mittu was afraid of the crow. He flew away. Mittu saw a red balloon. It was under a tree. He had an idea. He picked up the red balloon. He was careful not to burst it. He flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. Mittu went behind the tree. He pecked the balloon with his red beak. Pop! The balloon burst and it made a loud noise. Caw! Said the crow. And he fell off the tree. Caw! Caw! A big gun is after me, said the crow, and he flew away. And he never came back to the tree. Mittu came to the tree. He ate the big yellow mango. Yummy, yummy, what a nice mango, he said. He was very happy. Clever Mittu. I hope you enjoyed listening to the story. Now let me explain the story to you. Mittu was a parrot. So Mittu is the name of a parrot who is green in color and his beak is red in color. One day Mittu was flying. इधर से उधर उड़ रहा था वो। उसको उड़ने में बहुत मजा आता था, बहुत पसंद था। कभी वो इधर घूमता था, कभी इधर उड़ता था। So he was flying and he loved to fly. He looked down. So उड़ते उड़ते एक उसको नीचे कुछ दिखा और उसने ध्यान से देखा। He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. तो उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा सा मैंगो है एक ट्री पे, येलो मैंगो ऑन अ ट्री। मिट्टू को मैंगोज बहुत पसंद थे। मिट्टू लाइक मैंगोज। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, ही सेड। तो उसने कहा कि आई वॉन्ट टू ईट, मुझे वो मैंगो जो है वो खाना है। सो वो उड़ के कहाँ पहुंच गया? वो ट्री के पास पहुंच गया। जैसे वो ट्री के पास पहुंचा तो अचानक से आवाज आई, कॉ कॉ गो अवे। तो वहां पे ये आवाज किसकी थी? इट वॉज अ ब्लैक क्रो। वहां पे वो क्रो बैठा हुआ था और उसने कहा उसको, जाओ यहां से, दिस इज माय ट्री, ये मेरा ट्री है। क्रो तो वो आवाज, जब उसने आवाज सुनी तो अचानक से घबरा के देखा कि किसकी आवाज है। तो उसको कौन दिखा? ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो। सो क्रो ने फिर से शाउट किया, कॉ कॉ गो गो, चले जाओ यहां से, ये मेरा ट्री है। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस। उसकी आवाज बहुत तीखी थी, कान पे बहुत लग रही थी। मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो। उसकी आवाज सुन के और उसको देख के मिट्टू बहुत डर गया। एंड ही फ्लू अवे। वो वहां से उड़ गया। फिर वहां से उड़ के वो कहीं दूर थोड़े से दूसरे पेड़ के पास पहुंचा। एंड ही सॉ अ रेड बलून। उसको वहां पर एक फूला हुआ बलून दिखा, जो फूला हुआ था, रेड कलर का बलून, और वो ट्री के नीचे रखा हुआ था। इट वॉज अंडर अ ट्री। ही हैड एन आइडिया। तो उसको एक आइडिया आया। उसने वो बलून उठाया, बहुत ध्यान से उठाया, क्योंकि अगर वो ज्यादा जल्दीबाजी में उठाता तो वो उसकी चोंच से फट जाता बलून, है ना, बर्स्ट हो जाता। तो उसने इतने ध्यान से उठाया कि वो बर्स्ट ना हो। ही पिक्ड अप द रेड बलून। ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट। और वो बलून लेके कहाँ पहुंचा? ही फ्लू टू द मैंगो ट्री। वो वापस से मैंगो ट्री पे लेके चला गया बलून को। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री।
मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री. सो क्रो तो वहां बैठा ही हुआ था, मिट्टू क्या किया, मिट्टू ट्री के पीछे लेके गया, वो उड़ते हुए ट्री के पीछे गया ताकि उसको क्रो को नजर ना आए वो. और उसने फिर बलून पे चोंच मारी. ही पेग्ड द बलून विद हिज रेड बीक. पेग्ड मीन्स उसने ऐसे करके चोंच मारी अपने बीक से, सो पट करके कर दिया और बलून जो था वो फट गया. पॉप, जोर से आवाज आई और बलून बर्स्ट हो गया. इट मेड अ लाउड नॉइज. अब बलून फटने की आवाज कैसे आती ना, हुम करके, फट करके. तो अब क्रो को अचानक से ये आवाज आई, वो डर गया. सही सेड, अ बिग गन इज आफ्टर मी. एक बड़ी, उसको ऐसा लगा कि कोई गन लेके उसके पीछे आ गया है. तो वो बहुत डर गया, उसको लगा बलून की आवाज है वो गन की आवाज है. वो डर गया और उसके बाद वो वहां से उड़ गया. ही फ्लू अवे एंड ही नेवर केम बैक टू द ट्री. उसके बाद वो उस ट्री में वापस नहीं आया. मिट्टू केम टू द ट्री. फिर जब वहां से क्रो उड़ गया, मिट्टू आया वापस ट्री पे एंड ही एट द बिग येलो मैंगो. और उसने वो जो यमी सा मैंगो था, जो उसको बहुत अच्छा दिख रहा था, उसको मन कर रहा था खाने का, ही एट द बिग येलो मैंगो. और द मैंगो वॉज वेरी यमी यमी. वॉट अ नाइस मैंगो, ही सेड. सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू ईट द बिग येलो मैंगो. एंड दिस टेल्स अस दैट ही वॉज वेरी क्लेवर, ही वॉज नॉट अ कावर्ड. वो डरपोक नहीं था. क्रो ने उसको डराने की कोशिश करी कि ये मेरा ट्री है, चले जाओ यहाँ से. बट वो थोड़ी सी देर के लिए घबराया पर वो डरा नहीं, है ना. ही वॉज नॉट अ कावर्ड, ही वॉज क्लेवर, इंटेलिजेंट. वो इंटेलिजेंट था तो उसको एक आइडिया आया और उसने क्रो को वहां से भगा दिया. राइट, सो रीड द स्टोरी एंड एंजॉय इट. गुड बाय, टेक केयर.